भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला भिवानी ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित बजट को जन विरोधी बताते हुए उसके विरोध में कोर्ट रोड पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इससे पहले माकपा कार्यकर्ता ठाकुर बीर सिंह पार्क में इकट्ठे हुए और पेश हुए बजट के खिलाफ नारेबाजी की तथा इसे जन विरोधी बताया। प्रदर्शन करते हुए कोर्ट रोड पर पहुंचकर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर माकपा राज्य कमेटी सदस्य सुखबीर सिंह प्रभात, जिला सचिव कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बजट में मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, किसानों के खाद सब्सिडी व ग्रामीण विकास में भारी कटौती कर दी है। यह बजट उल्टे महंगाई, बेरोजगारी को और ज्यादा बढ़ाएगा। नोटबंदी, GST व कोरोना की मार झेल रहे मध्यम उद्योग व्यापार को कोई राहत नहीं मिली है, बल्कि जनता का उपभोग कम होने से आर्थिक मंदी और ज्यादा बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था का दायरा सिकुड़ जाएगा। आज हमने जो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 1 जनवरी को बजट पेश किया है, वो बजट आम जनता के विरोध में है और महंगाई, बेरोजगारी की जो चुनौती है देश की जनता के सामने, उसका कोई मुकाबला वो कर नहीं पाएगा, बल्कि उल्टा महंगाई और बेरोजगारी इस बजट से ज़्यादा बढ़ेगी और तमाम मदों में ये कटौती कर दी है इन्होंने। महंगाई से जो महंगाई बढ़ी है उसकी भरपाई भी नहीं की और शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और मनरेगा का जो बजट है उसमें भारी कटौतियाँ की गई हैं और इस वजह से जो जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएँ वो सब प्रभावित होंगी। हमारी ये मांग है कि इस कटौती को वापस लिया जाए और महंगाई में जो बढ़ोतरी हुई है उसके मुकाबले में इस बजट में बढ़ोतरी की जाए ताकि आम जनता के हक में जो है वो नीतियां लागू हों और बड़े बड़े कॉरपोरेट के हक में जो टैक्सीज कम कर दिए गए हैं उन टैक्सीज को बढ़ाया जाए। हमारे देश में आज जो है 100 पूंजीपति है जिनकी संपत्ति पिछले 5 साल में 23 अरब से लेकर के 40 अरब तक बढ़ गई है, उनके ऊपर अगर 1% भी टैक्स लगा दिया जाए तो इस बजट में संसाधन हासिल हो सकते हैं। इसलिए हम केंद्र सरकार की नीतियों का जो प्रो कॉरपोरेट नीतियां हैं, आम जनता के विरोध की नीतियां हैं और वो बजट में झलकी है, उसका विरोध किया है और प्रतीकात्मक तौर पर केंद्र सरकार का पुतला जलाया है और हम आने वाले समय में ये मांग करते हैं कि इस मुद्दे को हम जनता के बीच में ले जाएंगे और केंद्र सरकार को बाध्य करेंगे कि वो कल्याणकारी योजनाओं में बजट की कटौती ना करें। भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।